नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको ए टू जेड यहां पर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस भर्ती से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, उसके बाद दोस्तों कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में जल्दी से हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर किस पोस्ट के लिए वैकेंसियों को जारी किया गया है। तो सिविलियन सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है, नॉन यूनिफॉर्म दोस्तों ये वैकेंसी है, ठीक है। पदों की संख्या यहां पर 634 यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। आगे मैं दोस्तों यहां पर बताने वाला हूं यहां पर किस किस पदों में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो सब कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट वो क्या होंगे, जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर दोस्तों ऑथेंटिक एंड जेन्युइन निकली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है या आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से किया हो, या आपने दोस्तों यहाँ पर एलएलबी कर रखा हो, तो भी दोस्तों इस फॉर्म के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया 634 यहाँ पर वैकेंसियों को जारी किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगल ऑफिसर की 11 है, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की 120 है, वहीं फॉरेंसिक ऑफिसर की 24 है दोस्तों, और असिस्टेंट फॉरेंसिक ऑफिसर की 150 है, कंप्यूटर डिजिटल फॉरेंसिक ऑफिसर की 13 है, और यहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों 214 वैकेंसी निकाली गई। किस में है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सॉफ्टवेयर में दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, सबसे ज्यादा 214 यहां पर वैकेंसी है, और वहीं फाइनेंशियल ऑफिसर की 11 है और असिस्टेंट फाइनेंशियल ऑफिसर की 70 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि आप कब तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 7 सितंबर 2021 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल का है 18 से 37। इसके अलावा एस सी एस टी का 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, और ओ बी सी का यहाँ पर 3 साल का, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं दोस्तों सैलरी की बात करें तो यहां पर सैलरी के बारे में बता दूं, लीगल ऑफिसर का यहां पर 29,200 से लेके और फाइनेंशियल ऑफिसर यहां पर 25,500 तक, मानी कि सभी के लिए आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके हिसाब यहाँ पर आप आवेदन करते हैं, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर जो है अलग अलग सैलरी सभी का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल का दोस्तों हम बात करें कि अब जनरल वाले कैंडिडेट को कितना एप्लीकेशन फीस देना होगा, तो एप्लीकेशन फीस की जो शुल्क रखा गया है 700 रुपये, और एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर शुल्क देना होगा 800 रुपये, कुल यहाँ पर 1500 रुपये देने होंगे जनरल कैटेगरी के अगर आप आते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों ईएसएम और एक्स सर्विसमैन के लिए 700 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 900 रुपये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप बात करें कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 900 रुपये रखा गया है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 900 रुपये रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट करके यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज फिर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इंटेलिजेंस एंड कॉन्स्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन कैडेट वाले ऑप्शन को ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस पर सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक फिर यहाँ पर एक ऐसा पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर जो है यहां पर आप देख सकते हैं एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो जो हम जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं सिविलियन सपोर्ट स्टाफ की, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एडवर्टाइजमेंट यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है यहां पर पूरा बताया गया है, वीडियो के माध्यम से आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर रिजर्वेशन रूल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके वो भी पढ़ सकते हैं।
और जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को आगे फर्दर यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा जो नए हैं जो रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पर क्लिक हेयर पर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज जो है रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार ही दोस्तों अपनी सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। ठीक है, बिल्कुल गलती मत भरिएगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपका फॉर्म जो है आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना रहेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने कभी चेंज किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, और ये सारी डिटेल आपको भर के दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक कैप्चा डालना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट बटन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना सब कुछ करना है दोस्तों, आपका फॉर्म जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है, आपको जो है एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, वो डाल के और पासवर्ड डाल के यहाँ पर जो है इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको जो है फॉर्म खुल जाएगा, आपको जो है अपना जो मार्कशीट जो आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन किया कहाँ से किया है, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, वो अपलोड करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको मांगा जाएगा, पेमेंट करके यहाँ पर फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी यहाँ पर जिस भी विभागों में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, उनमें दोस्तों यहां पर एक्सपीरियंस के बारे में भी यहां पर बताया गया, तो ये सब चीजें भी यहां पर आपको देख लेनी है किस विभाग में कौन से एक्सपीरियंस के आधार पर यहां पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो यहां पर फॉर्म को आपको भर लेना है। ठीक है, तो यहां पर असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर की यहां पर आप देख सकते हैं 2 साल का यहां पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, उसके बाद ही यहां पर फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी कोई भी यहाँ पर चेंजेस किया जाता है, कोई बदलाव किया जाता है, तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।